यार मुझे इस टॉपिक पे बात करते हुए ना इस वक्त इतना बुरा लग रहा है कि हमारे पास कोई टॉपिक ही नहीं रह गया है कि हम कोई नॉलेज की बात करें, कोई डेवलपमेंट की बात करें और नए आने वाले आई मीन फ्यूचर के बारे में बात करें। हम बात कर रहे हैं रेप के बारे में। यार एक हद होती है, एक हद की इंतहा हो गई है। आप जैनब कत्ल केस से लेके अभी तक ये जो रिसेंटली लाहौर मोटरवे का वाकया हुआ है, जो कि खातून ट्रैवल कर रही थी अपने बच्चों के साथ, उनका पेट्रोल वगैरह ख़त्म हो गया, कोई ऐसी ये जो खबरें चल रही हैं, तो ये जाहिर सी बात है हकीकत है, ये कोई झूठ नहीं है। तो हमें एक जाहिर सी बात है एक सोशल मीडिया पे एक ट्रेंडिंग टॉपिक मिल गया। यार ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, एक क्या बोलूँ यार, मेरे पास अल्फाज नहीं आ रहे हैं ये इसके बारे में बयान करते हुए कि एक इंतहा होती है यार, एक इंतहा हो गई है। मगर यार यहाँ पे कोई कानून ही नहीं है, आई मीन जंगल का कानून है, बिल्कुल ही जंगल का कानून। यार अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो यहाँ पे सारे सब लोग फेल हैं। यार कानून में हमारी इतनी लैकिंग है कि जब इंसाफ का वक्त आता है तो उस बंदे को मरे हुए भी 5-6 साल गुजर चुके होते हैं। ये भी एक हकीकत है जो कि मैंने कोट की है। मुझे अभी केस के बारे में पूरा नहीं पता है, मगर ये भी एक केस है जो कि सुनने में आया है। और यार अगर ऐसा होने लगेगा तो क्या इंसाफ मिलेगा, क्या इंसाफ मिलेगा? कोई इंसाफ नहीं। अगर ये लोगों को पकड़ भी लिया जिन्होंने ये काम किया है तो उन्हें क्या सज़ा मिलेगी? क्या बस फांसी भी लटका दिया जाएगा? यार सरेआम लटकाओ, सरेआम लटकाओ ताकि इबरत मिले। यार हम समझते थे कि पाकिस्तान में ऐसे केसेस नहीं होते हैं और ज़्यादातर खबरें हमारे नेबर से आती थी, आई मीन यू नो। तो यार मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं एज अ पाकिस्तानी इस बात को कैसे कैसे एक्सेप्ट कर लूँ कि मेरे मुल्क में भी ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि मैंने कभी इमेजिन नहीं करी थी एज अ पाकिस्तानी। यार इस वीडियो में मैं हुकूमत वक्त के बारे में ऐसी बात कह रहा हूँ, मगर ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि इसके जो पहले वाली हुकूमतें थी वो बहुत अच्छी थी, उनके दौर में भी बहुत सारे ऐसे ऐसे वाकयात हुए हैं जिसके बारे में हमें मुझे नॉलेज भी नहीं है, या और मैं बहुत छोटा भी था, और अगर पता भी था तो मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि मैं उसके ज़रिए आप लोगों तक आवाज़ पहुंचा सकूं। यार एज अ पाकिस्तानी मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हम ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे जो कि बात करने लायक ही नहीं है। मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में इमेजिन तक नहीं करा था। अभी यार बिल्कुल फजर का वक्त हो रहा है, मैं बिल्कुल नमाज़ पढ़ के आया हूँ, जैसे कि आपको मेरे बैकग्राउंड से भी दिख रहा है यार। और सिर्फ एक दुआ कर सकेंगे कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और यार इस चीज़ को लगाम डालो यार, खान साहब इस चीज़ को लगाम डालो प्लीज़। अगर ये नहीं हो सका ना, अगर ये नहीं हो सका ना तो वोट तो दूर की बात, कोई पूछेगा भी नहीं। यार थोड़ा सा खुद से अपना कंट्रोल करना पड़ेगा, खुद साख्ता, आई मीन क्या बोलें आप लोगों को, क्या कर सकते हैं यार। एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम नेशन, मुझे नहीं पता मगर मेरे दिल में तो इंसानियत है, मेरे दिल में इंसानियत है जो कि सिर्फ सोशल मीडिया पे भोंकने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकती है। मगर जो कि कहते हैं ना पावर, पावर में इस वक्त वही लोग हैं जिनके वो सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा बनाना है, या फिर मुझे नहीं लगता उनके पास इंसानियत है। मदीना की रियासत का नाम लेते हैं जनाब खान साहब, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मगर मदीना की रियासत में ऐसे कानून थे, ऐसे लॉज थे जो कि बकरी और शेर दोनों एक ही घाट से पानी पीते थे यार। और यार इंसाफ का कानून बाला था हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौर में। यार ऐसा कानून, ऐसा कानून लाओ, जब इस्लामी कानून की बात करते हो तो नाफिज करो, लटकाओ सालों को सरेआम। बस यार मैं अभी इस वीडियो का एंड कर रहा हूँ और बस यही दुआ है कि ऐसे केसेस अब सुनने में ना आए, इस पे सिर्फ कानून बन के एक साइड में किताब में ना दब जाए, जो कि अभी जैनब के ऊपर ये जो एक कानून बना था और वो उसके बाद भी इतने केसेस सामने आए,
मेरे ख्याल में 7-8 केसेस उसके अलावा भी सामने आए पिछले 3 दिन के अंदर, जो कि ये 2 केसेस आए। आई मीन एक तो ये बच्ची के साथ रेप होकर उसको जला दिया और कचरे में फेंक दिया, उसके अलावा ये रिसेंटली लाहौर मोटरवे का वाकया। हद है यार, हद की इंतहा है। अब तो ऐसा कानून है कोई फिक्र ही नहीं है। ठीक है, तो सिक्योरिटी का क्या निज़ाम? सिक्योरिटी तो बहुत दूर की बात है। बस यार, मेरे पास अब कोई अल्फाज नहीं है यार, बस बंद करो यार।